देखिए आ गए साई। इसका मतलब कि साई ने इतने रूपों में सिर्फ मुझे ही दर्शन दिए, भामा को नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। वो आजकल आप कुलकर्णी सरकार के यहां साई की खबर देने के लिए नहीं जाते हैं? कुलकर्णी सरकार ने संदेशा भिजवाया था, मैं तो भूल ही गई। कल बुलाया है उन्होंने आपको। भामा, मैंने तुमसे कभी बताया नहीं, लेकिन जो साई है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण व्यक्ति नहीं मतलब? मैं जब भी साई से मिलता हूं या उन्हें देखता हूं या फिर जब भी खंडर की तरफ देखता हूं तो मुझे बांसुरी की धुन सुनाई देती है। एक अजीब सा खिंचाव है, ऐसा लगता है जैसे जैसे वो मेरे गुरु हैं। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मेरे जीवन में आए, मुझे अंधकार से दूर करने के लिए आए। मैंने फैसला किया कि मैं कुलकर्णी सरकार को साई के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, भले ही वो मुझे नौकरी से क्यों ना निकाल दे। एक ऐसा इम्तिहान है, साई और तात्या दोनों ही मेरे बेटे हैं। मैं नहीं चाहती कि इनमें से किसी को भी कष्ट हो। आई तात्या के लिए औषधि लेने कुलकर्णी सरकार के पास गई हैं और उन्होंने राणो जी के बारे में कुलकर्णी सरकार को बता दिया तो क्या होगा? अरे काम मर गए साहब, कौन आया है देखो। अकेली यहां इस समय, कुछ तो हुआ है। साई,
तात्या को बहुत तेज बुखार है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। शरीर पे लाल लाल निशान भी है। सिर्फ इसलिए कि राणो जी खंडर में है और तात्या उससे मिलकर गया है। आपको ये लगता है कि तात्या को भी कुछ गंभीर रोग हो गया है ना? लेकिन आप दोनों इस विश्वास के साथ यहां से गए थे कि रानो जी के इलाज में आप और भाईजामा मेरे साथ हैं। आपने माना भी था कि कुछ रोग इस तरह नहीं फैलेगा। तात्या का ये बुखार आपके और भाईजामा के उसी विश्वास का इम्तिहान है। पता नहीं साई, पर अपने बेटे को कष्ट में देखकर कहीं कुछ स्मरण का रह पाता है। आदमी अंदर से टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। नीम के पत्तों के पानी से तात्या के शरीर को बार बार पोंछते रहिए और नीम के पत्तों का काढ़ा पिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। अगर उल्टी आए तो समझ लीजिएगा कि औषधि अपना काम कर रही है। और हां, याद रखें, श्रद्धा सबुरी। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आ। चलता हूं सही, राम जी भला करें। रास्ता दिखाया तूने, भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। प्रणाम कुलकर्णी सरकार। मैं जानती हूं सूर्यास्त होने के बाद आप औषधि नहीं देते, लेकिन मैं प्राण लेकर आई हूं। अगर आप मुझे औषधि नहीं देंगे तो मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। रात भर यहां बैठी रहूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। कैसी बात कर रही हैं आप मावशी? आप मुझसे बड़ी हैं। आपकी सेवा ना करके मुझे पाप का पात्र नहीं बनना है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? तात्या, मेरा पोता दिन भर से बुखार है उसे, अब तो होश भी नहीं है उसे। यदि ऐसा है तो अप्पा पाटिल क्यों नहीं आए? और भाईजा का तो आंखें मूंद कर उस साई पर विश्वास करती है, तो उसके पास क्यों नहीं गई? क्या रहस्य है? आप अंदर रहिए, आइए 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 बैठिए। चिंता की कोई बात नहीं मावशी, लगता है कोई साधारण ईश्वर है। मैं औषधि दे देता हूँ। नहीं नहीं, साधारण नहीं है, कुछ और है। शायद आपको दूसरी दवा देनी पड़ेगी। कुछ और है? मैं समझा नहीं। आइए बैठिए 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 आप। हरिओम। आपको क्या लगता है कोई गंभीर बात है? हरिओम, उसने कुछ ऐसा खाया है या उसे चोट लगी है, ऐसा कुछ कहा उसने? मावशी, रोगी और वैद्य के संबंधों में स्पष्टता नहीं होगी तो उपचार कैसे होगा? आप स्पष्ट होकर बताइए तो ही मैं उपचार कर पाऊंगा। तात्या,
ठीक हो जाएगा तू बेटा। साई ने कहा है कि नीम के पत्तों के पानी के साथ इसे पोंछते रहो। हाँ तात्या, समय मत गवाइए, हो सकता है कोई भयंकर रोग हो। आपका विलंब आपके पोते के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और ऐसी कौन सी बात है मावशी जिसे छुपाना आपके पोते के जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है? अगर मैंने बताया रानोजी के बारे में तो हो सकता है ये हमारी बिल्कुल ना मदद करे और हमारा परिवार संकट में आ जाए। और हो सकता है कि मैं कोई ऐसी औषधि दूं जिसका प्रभाव घातक सिद्ध हो। मौशी, आप मेरी सहायता नहीं करेंगी तो मैं कैसे सहायता करूं आपकी? मुझे लगता है तात्या उससे मिला था। किससे? राणू जी से। वो दुखी थी, रो रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा है। श्रद्धा, सबूरी, सब ठीक होगा, दूरियां मिट जाएंगी। ये लो, पूरे शरीर में इसे लगाओ। तो ये है आपकी वो औषधि, और इसे लगा के क्या होगा? मेरे जख्म गायब हो जाएंगे और फिर मैं घर जाऊंगा और कहूंगा कि देखो मैं ठीक हो गया। सबूरी, आप तो चमत्कार करते हैं ना, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन चमत्कार में तो सब एक क्षण में ठीक हो जाता है, मगर मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कीजिए चमत्कार, कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो आपसे अच्छा तो कुलकर्णी सरकार है, कम से कम झूठी उम्मीद तो नहीं दी उन्होंने। कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ नहीं। राणू जी से? राणू जी तो गांव में है ही नहीं। हमें भी राणू जी के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो थाली लेकर साई को खाना देने जाता है तात्या, मेरा मतलब भिक्षा देने, वहां राणू जी थे। मेरे तात्या को राणू जी वाला रोग तो नहीं हो गया?
मुझे विश्वास है कि वो राणो जी से दूर ही रहा होगा, पर आपने कहा था ना कि कुष्ठ रोग तो अरे शिरडी वासियों की चिंता किए बिना साई ने राणो जी को शरण दी हुई है। हाँ, लेकिन मैं सच में कहती हूँ, हमें नहीं पता था उनके बारे में। मैंने आपको सब सच सच बता दिया। अब तो आप मेरे तात्या के लिए औषधि देंगे ना, इलाज करेंगे ना उसका, मेरे तात्या को कुछ नहीं होने देंगे ना। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास, निराश मत कीजिए। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। तात्या का बुखार कम होते जा रहा है, साई ने जो कहा है। मुझसे घिन आने लगी है इन लोगों को, और कावेरी उसने मुझसे संबंध खत्म कर दिया है। खैर, जब उसने ही मुझसे दूरी कर ली है तो अब इस जिंदगी का क्या फायदा। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगा, और पता नहीं इस रोग के खत्म होते होते मेरे शरीर की क्या हालत होगी, कितना सड़ चुका होगा, किस दशा में मरा हुआ पाया जाऊंगा मैं। हो सकता है लोग मेरा वो रूप देखकर मुझे याद भी ना रखना चाहे। नहीं, इससे अच्छा होगा कि मैं अभी अभी अपनी जान दे दूं। मेरे अंतिम दर्शन में किसी को भी मुझसे घिन नहीं आनी चाहिए।
कुलकर्णी सरकार ने बड़ी कृपा की, सूर्यास्त होने के बाद भी औषधि दे दी। इसीलिए तो कहते हैं किसी एक के अंधविश्वास में दूसरों की अच्छाइयां देख ही नहीं पाते हैं लोग। ये क्या पिला रही थी इसे? नीम का काढ़ा। किसने कहा था नीम का काढ़ा पिलाने के लिए? ये नीम के काढ़े से ठीक होने वाला है क्या? तुझे पता नहीं मैं औषधि लेने गई थी? सरकार ने कहा है गलत औषधि घातक सिद्ध हो सकती है, फिर भी तुम उसे काढ़ा दे रही हो। आई, साई ने अप्पाजी को बताया है कि कब कैसे कौन सी औषधि देनी है। क्या? फिर साई? फिर तुम लोग उसी के पास पहुंच गए जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? और तूने मेरे बेटे को उस खंडर में भेजा ही क्यों? नहीं जाती तू? वहां कुष्ठ रोगी है, क्यों मेरे परिवार को, मेरे वंश को मिटा देना चाहती है तू? उसे ये औषधि देनी है अभी। दे दूंगी आई, बस अभी सोया है, थोड़ी देर में दे दूंगी। पिला देना जरूर, याद से। तात्या, क्या हो रहा है? तात्या उठ। अगर उल्टी आए तो समझ लीजिएगा कि औषधि अपना काम कर रही है। साई कृपा। कम से कम ये ग्लानी तो नहीं रहेगी कि मरते मरते पानी को दूषित कर गया। कुएं में पानी कहां से आ गया? मुक्ति चाहते हो और फिर भी जो पीछे रह जाएंगे उनकी चिंता है। संसार से जाने का इरादा कर ही लिया है तो क्या फर्क पड़ता है पानी साफ हो या दूषित। पंताजी, 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 अगर इसमें से एक भी बूंद गिरी तो सब मैं उल्टा कर दूंगा। मतलब ऊपर वाला नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा। नहीं नहीं सरकार, नहीं सरकार, नहीं नहीं, हमसे क्या बोलोगे सरकार, बताइए तो। एक बात बताओ, शिरडी कितना बड़ा है और शिरडी में कितने घर हैं? सरकार, कभी माप के नहीं देखा और कभी घर गिने भी नहीं। वैसे वैसे बहुत बहुत बड़ा भी नहीं है। बहुत बड़ा नहीं है तो तुम दोनों मूर्ख
राणो जी का पता क्यों नहीं कर सके? नहीं नहीं सरकार, इसलिए नहीं क्योंकि हम मूर्ख है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें पूरा यकीन हो गया है वो राणो जी जो है ना मर चुका है। अच्छा? हाँ हाँ सरकार, वो पास वाले जंगल से उस दिन हम जा रहे थे ना तो दुर्गंध आ रही थी, वो शरीर सड़ने से जो आती है ना वो। हाँ सरकार, हमने पास जाके नहीं देखा क्योंकि हम डर गए थे, क्योंकि उसके मृत्यु शरीर की दुर्गंध से कहीं हमें भी कुष्ठ रोग ना हो जाए, क्योंकि हम राणो जी की गन पहचानते क्यों बंदा जी। हाँ हाँ सरकार, और ऐसी मौत तो हमारे शत्रु को भी ना आए। बेचारा मरोगे तो तुम दोनों, और ऐसी मृत्यु जो शत्रु को भी ना आए। क्यों सरकार? क्योंकि तुम दोनों एक कौड़ी के भी नहीं हो, मूर्ख काम चोर आलसी। एक छोटा सा काम सौंपा था वो भी पूरा ना कर सके तुम दोनों, और ऊपर से झूठ बोल रहे हो मुझसे। राणो जी का पता चल गया है, वो फिर से सूख गया। क्या ये मेरी बीमारी का असर तो नहीं? क्या मेरा दिमाग तो नहीं सड़ने लग गया? अगर तुमने इस बछड़े की रस्सी खोल दी तो ये यहां से कहीं ना कहीं निकल जाएगा और फिर भटकता रहेगा। हो सकता है उसे अपने घर लौटने का रास्ता फिर कभी ना मिले। ये क्या खेल खेल रहे हैं आप? अगर मेरे पीछे पीछे आए तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सामने आइए। जबकि सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज को तुम्हारी कोई चिंता नहीं, फिर भी तुम्हें सबकी कितनी चिंता है? अपने परिवार के लिए कितना प्यार है? और मैं ये जानता हूं कि जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए इतनी संवेदना, इतनी सहनशीलता, इतनी फिक्र हो, उसके दिल में अपने ही लिए धैर्य ना हो, प्यार ना हो, ये असंभव है। रानो जी, मुझे खुद पर विश्वास है, और अगर हमें एक साथ इस रास्ते पर चलना है तो तुम्हें भी खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास का रास्ता वहां से शुरू होता है जहां से हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ भला छिपा है। जब हम मुश्किल को इस नजरिए से देखते हैं तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रह जाती।
माफी के लिए शुक्रिया सरकार। माफी के लिए शुक्रिया सरकार। मौशी ने मुझसे झूठ कहा था कि अप्पाजी और बाईजाता को राणू जी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सत्य तो ये है इन सब ने मेरे आदेश की अवमानना की है। उन्हें न केवल ये पता था कि साई राणो जी को पाल रहा है, बल्कि उन्होंने उसके पालन पोषण में साई की सहायता भी की। इसका मूल्य उन्हें चुक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.